नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो जिस मोरन में कुछ तो लेके आए हैं आपके लिए फर्स्ट हिंदी रिव्यू ओप्पो R11 ओरिजिनल हैंड जोन का। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं आगे। तो हाँ जी दोस्तों, ये है आपका ओप्पो R11 रेड एडिशन। तो अगर हम डब्बे की बात करें तो दो डब्बों की पैकिंग में आता है, इसे हमने खोल दिया। इसमें अगर हम देखें पहले डब्बे में तो हमें मिल जाता है इसका मॉडल वगैरह 64 GB 4 GB रैम। उसके बाद इसका थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन चाइनीज़ में, तो इसे हम रखेंगे अभी साइड में। आ गया मेन डब्बे की बात करें तो यहाँ पे ओप्पो की ब्रांडिंग लगी हुई है दोनों तरफ और ऊपर ब्रांडिंग है और कुछ नहीं। अगर हम इसे खोल लेते हैं और ये डब्बा खुल गया, डब्बे के अंदर और कुछ नहीं। अगर बात करें इसके अंदर फ़ोन की तो फ़ोन ये रहा, आप देख सकते हो। इसे हम पावर ऑन होने के लिए रख लेते हैं और इसे हम रखते हैं साइड में, बाकी बात करेंगे बाद में। ये रहा इसका ऊपर का डब्बा, R11 लिखा हुआ है। बाद में बीच में मिलती है हमें एक बुकलेट जिसमें इसका कवर जो साथ में आता है लेदर प्लस रबड़ का सिम जैक्टर टूल, और वो बुकलेट जो हम नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद बात करें चार्जिंग की तो हमें यहाँ पे मॉडल जो है 1K7079GB ऐसे कुछ करके मिलता है। आउटपुट है 5 वोल्ट की 4 एम्पेयर का चार्जर क्विक चार्ज के साथ ये आता है। उसके बाद बात करें इसकी डाटा केबल की तो ये नॉर्मल माइक्रो USB, मगर नॉर्मल नहीं हम इसे बोलेंगे। ये जो माइक्रो USB आप देख रहे हो ये 7 पिन कनेक्टर है, जबकि नॉर्मल माइक्रो USB 5 पिन वाली होती है। उसके बाद बात करें तो हैंड फ्री किट की तो ये हमें यहाँ पे मिलती है। तो अभी तक यूज़ नहीं किया मैंने पिछले, वैसे तो 2 महीने से फ़ोन को यूज़ कर रहा हूँ जैसे आपको पता है, तो ये सब हमें मिलता है इसमें। उसके बाद अगर हम बात कर लें इसको साइड में रखते हुए डिवाइस की, तो डिवाइस हमें कुछ ऐसे मिल जाती है। तो पहले दोस्तों एक चीज़ मैं आपको चेक करा दूँ, इसका फिंगरप्रिंट कैसे काम करता है। ये देखिए आप देख सकते हो मोर देन हाफ सेकंड ये रिस्पॉन्ड करता है यहाँ पे। तो ये वही है इसका काम। अगर बात करें क्वालकॉम 660 जो प्लेटफॉर्म लगा हुआ है, इसको हम पहले अभी साइड में रखते हैं। तो अगर हम हार्डवेयर आउटलेट की बात कर लें बाहर की, ये कैमरा जो कि फ्रंट कैमरा इन्होंने दिया है 20 मेगापिक्सल का, कान वाला स्पीकर, फिंगरप्रिंट स्कैनर और होम बटन के लिए। उसके बाद बात करें चार्जिंग USB पोर्ट, माइक्रो USB पोर्ट, उसके बाद स्पीकर्स, माइक 3.5 mm हैंडसेट जैक, ऊपर माइक दिया हुआ है, पीछे 2 कैमरे, एक 20 मेगापिक्सल और एक दूसरा 16 मेगापिक्सल जो काम करेगा पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के लिए, साथ में ड्यूल LED फ्लैश, पावर बटन, वॉल्यूम रॉकर बटन्स, उसके बाद एंटीना बैंड लाइंस। उसके बाद ये हो गया आपका सिम ट्रे। अगर बात करें सिम ट्रे की तो आप इसमें यूज़ कर सकते हो एक सिम प्लस मेमोरी कार्ड, ट्रांसफ्लैश कार्ड, उसके बाद अगर बात करें या फिर 2 सिम कार्ड आप यूज़ कर सकते हो। बात करें इसमें नेटवर्क की तो जियो की सिम चलती है पर वोल्ट इसमें नहीं चलता, जो मेन फंक्शन है ओप्पो का वॉलपेपर चेंज का वो इसमें दिया हुआ है। उसके बाद अगर बात करें एमोलेड स्क्रीन, टच स्क्रीन इसकी है 16 मिलियन कलर्स के साथ, जो रेजोल्यूशन हमें मिलता है स्क्रीन का वो है 1080x1920। अगर बात करें हम स्क्रीन टू बॉडी रेशो की वो मिलती है 72.2%। उसके बाद एड्रीनो GPU 512, CPU जो है वो स्नैपड्रैगन का 660। अगर मॉडल की बात करें MSM 8956। कैमरा ड्यूल मिलता है हमें पता है। उसके बाद अगर ड्यूल कैमरे की हम बात कर लें यहाँ पे प्राइमरी की, जो पहला कैमरा हमें मिलता है वो मिलता है 20 मेगापिक्सल अपार्चर 2.6 के साथ ऑटो फोकस, 16 मेगापिक्सल का दूसरा कैमरा जो अपार्चर है 1.7 और PDAF फंक्शन फेस डिटेक्शन ऑटो जो इसमें लगा हुआ है। तो हम इसे चेक कर लेते हैं अभी कैसे ये ऑटो डिटेक्शन इसका काम करता है। ये देखिए आप देख सकते हो अभी अगर देख रहे हो, ये देखिए फोकस काफ़ी बढ़िया है इसका। अगर देखें तो ये देखिए काफ़ी बढ़िया फोकस करता है। तो दोस्तों अगर आपने इसके कैमरे की फ़ीचर नहीं देखी तो ऊपर आई में लिंक दिया गया, आप उसमें चेक कर लीजिए कैमरा फ़ीचर की सारी फंक्शन जो हैं, जो फीचर हमने उसकी वीडियो बना दी है। तो दोस्तों ये था इसका हैंड्स ऑन रिव्यू, फर्स्ट हिंदी हैंड्स ऑन रिव्यू। तो ज़्यादा बात करेंगे आगे और बढ़ते हैं आगे।
तो हाँ जी दोस्तों, जैसे कि अभी आपने देख लिया ओप्पो आर 11 का फर्स्ट हिंदी हैंड्स ऑन रिव्यू, तो ये वीडियो हमने दूसरी बार इसलिए बनाई है क्योंकि हमारे व्यूअर्स ने हमें बोला था बनाने के लिए दूसरा वर्जन, अपडेटेड वर्जन, क्योंकि जो पुरानी वीडियो थी उसमें हमारा थोड़ा कैमरा फेसिंग का इशू था, थोड़ा डिटेल वाइज ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई थी तो कई बंदों को देखने में इशू था, वो बोलते थोड़ी छोटी और शॉर्ट वीडियो बनाई है, तो इसलिए हमने आपके लिए ये वीडियो बनाई है। हो सकता है इसमें कोई कमी रह गई हो तो हमें कमेंट सेक्शन में नीचे बताइए, बाकी हमने पूरी कोशिश की अपनी तरफ से। अगर आपने ओप्पो आर 11 का कैमरा रिव्यू नहीं देखा तो आप ऊपर दिए गए लिंक में देख सकते हैं वो कैमरा रिव्यू, उसके बाद उसकी स्पीड टेस्ट, एसफॉल्ट गेमिंग में, हैवी गेमिंग में कैसे काम करता है, उसके बाद इसका बेंच मार्क स्कोर, उसके बाद इसकी चार्जिंग स्पीड टेस्ट S8 प्लस और MIUI MI 6 के साथ, उसके बाद बात करें तो इसका इंटरनल रिव्यू सॉफ्टवेयर का, वो सारे लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिए हैं, तो आप चेक कर सकते हो जाके। तो यही इस वीडियो में अभी दोस्तों, तो मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम करेंगे ओप्पो आर 11 का कैमरा कंपैरिजन आईफोन 7 प्लस के साथ। तो दोस्तों वो वीडियो जल्दी ही कल शाम तक आपको मिल जाएगी। तो इसके साथ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, उसके बाद वीडियो में कमेंट करके हमें नीचे बताइए, हमें सुझाव दीजिए, अगर कोई कमी पेशी रहेगी उसके बारे में बताइए, और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए, साथ में बजा दीजिए वो घंटी ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए आपके तक पहुँच जाए, आपको नोटिफिकेशन आ जाए। इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। मैं हूं आकाश, आप देख रहे हैं जिससे हम और मिलते हैं आगे और बढ़ते हैं आगे। जय हिंद।